नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं जयपुर आरएलपी के कार्यालय पर खड़ा हूं। अभी थोड़ी देर बाद आपने लाइव के माध्यम से वीडियो देखा होगा, आज़ाद पार्टी और आरएलपी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है, यानी चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान जी बेनीवाल के बीच गठबंधन हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद हनुमान जी बेनीवाल 10 से 15 प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि आधा पौन घंटे के से पहले 10 से 15 प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अभी भी देखो लोगों का जमावड़ा आरएलपी कार्यालय पर है। ये तस्वीरें मैं सीधी आपको दिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। आज टिकट को लेकर उत्साह था हर किसी के मन में कि आज टिकट लेकर ही घर जाएंगे, इस प्रकार का उत्साह लेकर आए थे। और यहाँ लोग बहुत सारे लोग अलग अलग विधानसभा से आए हुए हैं और हनुमान जी बेनीवाल के नारे लगाए हुए हैं। जो फिलहाल प्रत्याशी मैदान में उतर हैं उनकी तख्तियाँ लेके आए हैं, किसका प्रभाव ज़्यादा है जो आप तस्वीर में साफ देख रहे हो। अब कुछ ही समय बाद 10 से 15 प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे हनुमान जी बेनीवाल। आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं SR मीडिया के साथ सुरेश चौधरी।